साइफर का जो मामला है जेल ट्रायल का, उसके खिलाफ बिल्कुल अपील कर रहे हैं। ये अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजों के पास होगी या सुप्रीम कोर्ट में होगी, ये एक तकनीकी मामला है। इस पे कल बहस होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा तो हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही दो जज साहिबान के सामने गए और हमारा मौकफ ये है कि ये जो फैसला किया गया कि जेल ट्रायल होनी है, ये बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है। आईने पाकिस्तान इस बात का तकाजा करता है कि हर मुलजिम को ये हक हो कि उसकी जो ट्रायल है उसके खिलाफ जो मुकदमा है वो हर एक के सामने हो, मीडिया को पता हो, पाकिस्तान के अवाम को पता हो कि उसके खिलाफ क्या गवाही है, प्रोसिक्यूशन के पास उस पर इल्ज़ाम क्या है। बंद कमरे में जो इंसाफ है वो इंसाफ नहीं होता। तो हमें पूरा यकीन है कि हमें इस हवाले से रिलीफ मिलेगी और जो भी ट्रायल है, हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है मुकदमा, साइफर बिल्कुल एक ढोंग है, लेकिन ये मामला अब तमाम कौम के सामने आना चाहिए। बंद कमरे में ट्रायल की ही इसलिए जा रही है कि अवाम को पता ना चल सके कि ये मुकदमा कितना खोखला है। अब ये कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पे बात होगी और ज़रूरत हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे। अच्छा सर, नैब के खिलाफ क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, रजू करेंगे? क्योंकि नैब अब इसहाक डार को भी क्लीन चिट दे दी गई है और कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को भी इसी तरह मिलेगी, लेकिन 2017 और 18 में ट्रालियों पर सर सबूत लेके आते थे। देखिए, इस मामले से मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, जब ऑर्डर होगा तो उसको देखेंगे।